ये देखिए आज चिवड़ा का हम पुलाव बनाने जा रहे हैं। ये गाजर है, ये फ्राई करा हुआ मूंगफली का दाना है, ये आलू फ्राई करके रखा है, ये कड़ी पत्ता है, ये मिर्च है, ये साबुत मिर्च है, और ये सरसों है मतलब राई। और ये देखिए प्याज काट के रखा है, और ये पोहा है मतलब चिड़वा। अब ये देखिए इसको हम बनाने जा रहे हैं। ये कढ़ाई है, कढ़ाई में तेल डाल दिया। अब इसमें ये साबुत मिर्च डाल दिया, साबुत मिर्च डाल दिया, इसमें ये राई डाल दिया मतलब सरसों। सरसों भी डाल सकते हैं आप, राई भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा होने देंगे हम, थोड़ा जैसे फूटने लगेगा ना तब हम इसमें कड़ी पत्ता देंगे। ये अब डाल दिया हमने इसमें कड़ी पत्ता, इसमें डाल दिया कड़ी पत्ता। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, छोटे छोटे बारीक कटा हुआ प्याज। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने पहले ही आलू फ्राई करके रख दिया था और मूंगफली फ्राई करके रख दिया था। आप चाहे डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, इच्छा आपके अनुसार। अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे लाल ब्राउन कलर आने तक, इसको हम भूनेंगे। देखो तेज आँच में अब इसको हम भून रहे हैं। और एक बार देख लीजिए, ये मिर्ची है, ये थोड़ा सा गाजर घिस के रखा है कद्दूकस करके, ये मूंगफली है, ये आलू फ्राई है, और ये हमारा पोहा है। ये हमारा पोहा है। प्लीज़ आप यदि वीडियो एंड में पूरा देखने के बाद यदि वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगे आप सभी को, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा हल्दी, टर्मरिक। ये देखिए इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड किया हमने, स्वादानुसार आप भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। ऐसे चलाते रहेंगे जब तक ब्राउन हो जाएगा ये, तब हम इसमें डालेंगे। अब इसमें आप थोड़ा सा कलर अच्छा आने के लिए थोड़ा सा इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं मतलब चीनी। ये देखिए थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं, आपका इच्छा है, कोई डाल सकते इच्छा है डाले चाहे नहीं डाले। चाहे आप इसको घी में भी बना सकते हैं, चाहे रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। ये देखिए अब हमारा प्याज थोड़ा कलर आ गया। अब इसमें हम ये जो हरी मिर्च काट के रखा था ये डाल देंगे। ये जो हरी मिर्च काटा था ये डाल देंगे। चाहे तो आप इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं या हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। देखिए अब इसमें स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। ये देखिए स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल दिए, चिड़वा का ये पुलाव बन रहा है। ये जो चिड़वा है थोड़ा सा हमने हल्का धो के रखा था, इसको फिर सुखा दिया,
मेरा ये डाल दिया हमने इसमें। ये देखिए अब गैस फिर ये थोड़ा सिम कर देंगे, ये देखिए थोड़ा सा सिम कर देंगे। अब इसको चलाते रहेंगे ऐसे, देखिए आप कलर कितना अच्छा आ रहा है, देखिए ऐसे इसको हम चलाते रहेंगे। ये देखिए ये देखिए देखिए हम इसको चलाते रहेंगे। अब इसमें जो आपका ये जो गाजर कद्दूकस कर रखे थे, चाहे आप काट के डाल सकते हैं चाहे ऐसे डाल सकते हैं। हमारा ये कद्दूकस थोड़ा बारीक वाला है इसलिए बारीक बारीक हुआ है, नहीं तो थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा सा रहेगा तो और अच्छा लगेगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चाहे बारीक काट के डाली है चाहे छोटे छोटे टुकड़े में डाली है। फिर इसको आपने ऐसे चला दिया, ये देखिए ये आपने इसको ऐसे चला दिया, ये आपका ये बन गया। अब हम इसमें थोड़ा सा ये लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा हम तीखा खाते हैं, आप भी चाहे ऐड कर सकते हैं। इससे थोड़ा कलर भी अच्छा आ जाएगा। ये बस ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया। अब इसमें हम ये जो भुना हुआ आलू है इसमें ऐड कर देंगे, और ये थोड़ा सा ये मूंगफली है इसमें ऐड कर देंगे। देखिए बस ये हमारा बन गया।